बीकॉम फर्स्ट ईयर में पिछले साल ये सवाल आया था, अकाउंट्स के पेपर की बात कर रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स में पिछले साल ये सवाल था। थ्योरी का सवाल है, इसे हमको लिखना होगा, इसमें हमको इसमें कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात तो है ही नहीं। देखिए, सवाल पढ़ लेते हैं दोबारा से। सवाल में लिखा है, पूंजी में कटौती की विभिन्न रीतियों को समझाइए। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस वाले चैप्टर में हम कैपिटल में रिडक्शन किस तरीके से करते थे, उसकी कौन कौन सी मेथड होती थी, उसके लिए हमको बताना है। और साथ ही इसने बोला है कि आप किसी भी एक कंपनी ले लीजिए, उस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसके रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज दीजिए। तो अभी हमको इस सवाल में सबसे पहले इसकी जो मेथड हैं उन सभी मेथड्स को लिखना है, और उसके बाद में हमको इसके लिए जनरल एंट्रीज देनी होंगी। देखिए, सवाल में किसी एग्जाम्पल की डिमांड नहीं करी है। सवाल सिर्फ हमें ये कह रहा है कि आप खाली जनरल एंट्रीज दे दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम कोई एक एग्जाम्पल उठा लेंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग क्या है, जनरल एंट्री देने वाले हैं। तो हम इसकी मेथड्स एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, इसके लिए तीन मेथड हैं, ठीक है। कैपिटल में रिडक्शन की तीन मेथड हैं, उसमें सबसे पहली मेथड आती है आपके अंशों पर एदत। एदत मतलब होती है अनकॉल्ड अमाउंट। अनकॉल्ड अमाउंट में इसलिए कह रहा हूँ कि अनकॉल्ड अमाउंट का मतलब ये होता है कि कंपनी ने अभी तक अपने शेयर्स पे या अपनी डिवेंचर्स पे, हम केवल यहाँ पे अंशों की बात कर रहे हैं, तो कंपनी अभी तक अपने अंशों पे जो अमाउंट बकाया है उसकी कॉल अभी तक की नहीं है। भविष्य में कर सकती है, लेकिन अभी तक उसने कॉल की नहीं है, इसलिए हम उस अनकॉल्ड अमाउंट को हटाकर, मतलब कंपनी अपने अनकॉल्ड अमाउंट को कम करके भी ऐसा कर सकती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा, मैम जो है इसका दूसरा मेथड है आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाना। देखिए, जब कंपनी को जरूरत होती है तो कंपनी शेयर्स इश्यू कर लेती है, लेकिन अगर कंपनी ने शेयर इश्यू कर लिए, पैसा भी ले लिया, लेकिन अभी पैसा कंपनी के कोई काम नहीं आ रहा, तो कंपनी इस केस में क्या कर सकती है कि जो पैसा इसके पास ज़्यादा है, ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा जो कैपिटल है, ये पैसा ये अपने शेयर होल्डर को वापस कर सकती है। इससे क्या है कि कंपनी की लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा मेथड है, और ये सबसे लास्ट मेथड है इसमें, तीसरा मेथड है आप पेड अप शेयर में कटौती कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं होता कि आप किसी भी कंपनी की पेड अप शेयर में कटौती कीजिए, ये इतना आसान होता नहीं है। इसके लिए आपको कई सारे कंपनीज के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होती है इसके लिए, और उसके बाद में ही आप पेड अप शेयर कैपिटल में से कटौती कर सकते हैं। तो हम एक बार सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है अंशों पर अनकॉल्ड अमाउंट में कमी करके, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो है बड़ा आसान सा मेथड है और इसमें कुछ खास नहीं है। हम पहले मेथड की बात कर रहे हैं, अंशों पर एदत राशि में कमी करके, ठीक है। यदि कंपनी जिसने अपने शेयर्स इशू किए हैं, अगर वो फुली पेड अप नहीं है, तो मतलब पार्टली पेड अप है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं कि कंपनी कॉल कर ले या उसको रहन दे। जब कंपनी ऐसे शेयर्स जिन पे अभी तक कंपनी ने बकाया कॉल का जो है पैसा मांगा नहीं है, लेकिन वो भविष्य में मांगेगी, मांग सकती है, तो उस दायित्व को, जो एदत्त राशि का जो दायित्व है, अनकॉल्ड अमाउंट जो है, कंपनी उसको कैंसिल कर सकती है, ठीक है। जब कंपनी उसको कैंसिल कर देगी, तो इसके बाद में कंपनी कभी भी उस अनकॉल्ड अमाउंट को शेयर होल्डर्स से नहीं मांग सकती। तो
अंशधारियों का ये दायित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, हम इसका एग्जाम्पल भी देंगे आगे। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरा मेथड, यह है आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाना। देखिए, हम अभी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, हमको अभी जो इसके मेथड हैं इन मेथड्स की डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन देने के बाद में हम इसकी जनरल एंट्रीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था ऐदत राशि का, उसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देने वाले हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है आवश्यकता से अधिक पूंजी को लौटाना। ठीक है, जब कंपनी के पास आवश्यकता से अधिक पूंजी इकट्ठी हो जाती है तो वो उसे अपने अंशधारियों को लौटा सकती है। ठीक है, इससे उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। इसके लिए कंपनी अधिनियम की अनुपालना, जो कंपनी अधिनियम के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करेगी, और ये पैसा कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को नगद में भी दे सकती है। ठीक है, इसके बाद में अपना थर्ड मेथड, जो थर्ड मेथड है वो अपना आ जाता है। ये मेथड है अपना कि आप पेड अप शेयर कैपिटल में से कटौती करके भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए, पेड अप शेयर कैपिटल होती है आपका प्रदत्त अंश पूंजी। ठीक है, जो आपको पेड अप हो चुका उसमें से आप कटौती कर सकते हैं। तो इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार कंपनी के डायरेक्टर्स एक प्रोग्राम तैयार करेंगे। ठीक है, और इसके लिए अंशधारियों के सामने अपनी पेड अप शेयर कैपिटल में से कमी करने का प्रस्ताव रखा जाता है। यदि कंपनी की एक्युमुलेटेड लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं तो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स और अपने क्रेडिटर्स को भी इस बात के लिए तैयार करेगी कि वो अपना जो उनका अमाउंट है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए जब कंपनी के पास लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उन नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स, अपने डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है कि आप अपनी लायबिलिटी है, मतलब उनका जो पैसा है उसमें से कुछ कमी करें। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा अमाउंट खोला जाता है। अब इस अकाउंट में शेयर होल्डर ने जितना त्याग किया, डिवेंचर होल्डर्स ने जितना त्याग किया और क्रेडिटर्स ने जितना त्याग किया, वो पैसा इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो भाई देखो, सीधी सीधी बात है, जब शेयर होल्डर, जब डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स जब अपना हिस्सा, जब अपने हिस्से का त्याग करेंगे तो कंपनी उनको डेबिट करेगी और उस अमाउंट से कैपिटल डिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेगी। ठीक है, ऐसा ऐसा करने से उन सब की जो लायबिलिटी है कंपनी में, कंपनी की जो लायबिलिटी है वो कम हो जाती है, उनका अमाउंट कम हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो मेथड था आपका, आपका जो फर्स्ट मेथड था कि आप अनकॉल्ड अमाउंट को घटा के भी ऐसा कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है। इसके लिए हम एक जनरल एंट्री भी देखेंगे कि आप अपनी पूंजी में से कटौती करने की योजना अपनाने के लिए कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्रीज देनी होंगी। तो अपना जो सबसे पहला मेथड था वो ये था कि अंशों पर अनकॉल्ड अमाउंट में कमी करके भी आप ऐसा कर सकते हैं, ये अपना पहला मेथड था। ठीक है, डेफिनेशन हम इसकी पढ़ चुके हैं, जो हमने पहले लिखा है वही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, पुरानी कैपिटल आपकी डेबिट हो जाएगी और नई कैपिटल आपकी क्रेडिट हो जाएगी। इसके लिए देखिए एक एग्जाम्पल है, एक कंपनी ने जिसका 100 रुपये का शेयर्स था, 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 70 रुपये उन्होंने मांगा था और इतना पैसा उनको मिल भी चुका। ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी के लिए 70 रुपये है, बाकी जो 30 रुपये बचे हैं वो अभी तक कंपनी ने मांगा नहीं है।
ठीक है, तो वो अभी अनकॉल्ड अमाउंट है। तो इसके लिए देखिए, एग्जाम्पल में एंट्री दी हुई है कि आपकी पुरानी कैपिटल जो है वो 100 रुपये की थी, ठीक है, जिसका पेड अप वैल्यू, पेड अप कैपिटल थी 28 लाख, ठीक है, और अभी भी पेड अप कैपिटल 28 लाख ही है, लेकिन जो आपका 100 रुपये का शेयर था अब वो 70 रुपये का हो गया, ठीक है, जो आपका 100 रुपये का जो शेयर था वो अब आपका 70 रुपये का हो गया है। तो पुरानी कैपिटल आपकी 100 रुपये की थी, नई कैपिटल आपकी इस अमाउंट से होगी, बट पेड अप कैपिटल जो है आपको जो पैसा मिला है वो दोनों केस में 28 लाख रुपए है। मतलब आप अब आप इसके बाद ऐसा करने के बाद जो अनकोल्ड अमाउंट जो था 30 रुपए का, वो आप शेयर होल्डर से अब नहीं मांग सकते, ठीक है। इसके बाद में मेथड नंबर दो है, देखिए दूसरा जो मेथड है ये है आवश्यकता से अधिक अंश पूंजी को, सॉरी, आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाना। इसमें देखिए दो मेथड हैं। पहला मेथड है इसमें कि अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए। इस मेथड के अनुसार जब आप ऐसा करेंगे तो शेयर्स के फेस वैल्यू में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एंट्री देंगे, पुरानी कैपिटल को हम डेबिट करेंगे टू न्यू न्यू शेयर्स कैपिटल टू सेंट्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। अब देखिए 100 रुपये का आपका पहले शेयर था, 100 रुपये आपका शेयर था, 100 रुपये आपको मिल भी चुका है, ठीक है। अब 70 रुपये आपको रखना है और 30 रुपये आपको शेयर होल्डर को लौटाना है, तो आपने एंट्री करी है टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। तो अब आपने 70 रुपये शेयर होल्डर को, सॉरी 30 रुपये आपको जो है शेयर होल्डर को लौटाना है, ठीक है। देखिए पुरानी कैपिटल आपकी 100 रुपये की थी जो हमने डेबिट की, मतलब ये ख़त्म हो चुकी है। नया कैपिटल का अमाउंट है 70 रुपये से हमने रखा है। अब आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल 70 रुपये से जाएगी, 30 रुपये आपको शेयर होल्डर को लौटाना है, मतलब 30 रुपये की कैपिटल आपने ख़त्म कर दी है, ठीक है। तो हम 30 रुपये शेयर होल्डर को जब लौटाएंगे तो उसके लिए हम, उसके लिए क्या है, ये एंट्री हमको देनी होगी। अब इसी में इसका दूसरा मेथड है कि जब शेयर्स के फेस वैल्यू में बदलाव नहीं किया जाए, ठीक है, जब इसके, जब कंपनी के अंशों के फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया जाए, मतलब आप पहले आपका 100 रुपये का शेयर था, फेस वैल्यू उसकी 100 रुपये की थी, अभी भी उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये ही आपको रखनी है, तो इस केस में होगा क्या कि जितना पैसा आपको लौटाना है उस अमाउंट से आप अपनी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। देखिए हमने जो पैसा, हमको देखिए उस एग्जांपल में हमको 30 रुपये लौटाना था, तो हमने शेयर कैपिटल को कम किया है 30 रुपये से और हमने शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया है 30 रुपये से। अब हम शेयर होल्डर को 30 रुपये लौटा देंगे, ठीक है। तो हमने एंट्री करी सेंट्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने 30 रुपये शेयर होल्डर को लौटा दिया है। इसके बाद अपना लास्ट मेथड आता है कि आप पेड अप शेयर कैपिटल में से कटौती किस प्रकार से कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी एंट्रियां होंगी, कौन कौन से केसेस इसमें आपके सामने आ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जब प्रिफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के फेस वैल्यू को कम कर दिया जाए। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपये आपको मिल भी चुके हैं, फेस वैल्यू 100 रुपये की थी, 100 रुपये आपको मिल भी चुके हैं, ठीक है। अब इसमें आपको 40 रुपये घटाने हैं और 60 रुपये शेयर्स कैपिटल में रखने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपके पास 100 रुपये का शेयर था, उसमें से 40 रुपये आपने घटा दिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से कैपिटल कैपिटल डिडक्शन अकाउंट खोलते हैं और उस कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में जो है हम 40 रुपये डाल देंगे। तो ये इस तरीके से होगा कि आपका 100 रुपये का शेयर था, पुरानी कैपिटल 100 रुपये से थी हमने डेबिट की, और आपकी नई शेयर कैपिटल आपको 60 रुपये से रखनी है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि 100 रुपये का शेयर था, आपको 40 रुपये कैंसिल करने हैं और 60 रुपये तक ही अपने शेयर्स को रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपका शेयर्स जो है पुरानी शेयर कैपिटल 100 रुपये की हो जाएगी, ठीक है, नया शेयर आपका 60 रुपये का हो जाएगा और आप
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 40 रुपये भेज देंगे। मतलब आपने 40 रुपये से अपनी पूंजी में से कमी की है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा केस बनता है कि जब प्रिफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के फेस वैल्यू में कोई कमी नहीं किया जाए, लेकिन जो उन्होंने पैसा दिया है, मतलब उनका जो पेड अप वैल्यू है उसको घटा दिया जाए, तो इसके लिए हमें सिर्फ एक एंट्री देनी होगी। जितने अमाउंट से आप घटा रहे हो उसको हम डेबिट करेंगे। मतलब हमने अभी 40 रुपये से शेयर्स को कम किया था, ठीक है, तो हमने 40 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और उसी 40 रुपये को हमने कैपिटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में भेज दिया है, ठीक है। तीसरा केस इसमें बनता है कि यदि कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व या और कोई रिजर्व है जिनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ रहा हो, तो उन्हें भी हम कैपिटल रिडक्शन में भेजेंगे। देखिए, कंपनी के पास जब खूब सारे लॉसेस इकट्ठे हो जाते हैं तो ही तो वो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस की स्कीम में आती है। तो जब कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स जब पड़े हैं तो कंपनी सबसे पहले इन रिजर्व्स को काम में लेगी, और रिजर्व्स को काम में लेने के लिए इन सभी का क्रेडिट बैलेंस, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी। तो देखिए, कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व था, उसको डेबिट किया है, जनरल रिजर्व और एनी पर्टिकुलर रिजर्व और इसके अलावा कोई भी रिजर्व, लेकिन जिनका बैलेंस क्रेडिट आ रहा हो बैलेंस शीट में, इनको हम लोग भेज देंगे कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कैपिटल रिजर्व खत्म हो गया, जनरल रिजर्व खत्म हो गया, और भी कोई रिजर्व बचा हो जिनका क्रेडिट बैलेंस आ रहा हो वो भी आपका रिजर्व खत्म हो गया। ये तीनों जो है, ये तीनों का बैलेंस जो है अब आपके कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में जा चुका है, ठीक है। इसके बाद में जो है अगला केस है इसी में कि डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, अगर ये अपना अमाउंट त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो इन्होंने जितना अमाउंट का त्याग किया है उस अमाउंट को भी हम कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में भेजेंगे। और ऐसा हम इसलिए करते हैं, कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कंपनी के सामने नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनकी भरपाई करने के लिए शेयर कैपिटल का, जो उसकी जो कैपिटल है उसका अमाउंट कम पड़ता है, इसलिए वो अपने डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की लायबिलिटी को घटा देती है। लेकिन इसके लिए डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से उनको जो है सहमति लेनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री होगी, जितना पैसा वो लोग त्याग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए डिबेंचर होल्डर ने 60 रुपये का अमाउंट त्याग किया है, क्रेडिटर्स ने भी जैसे मान लीजिए 60 रुपये का ही त्याग किया है, तो यहाँ टोटल अमाउंट चला जाएगा आपके कैपिटल डिडक्शन में 120 रुपये, 60 रुपये डिबेंचर होल्डर्स का, 60 रुपये क्रेडिटर्स का, ठीक है। तो इनका जो बैलेंस है टोटल जो है इन दोनों का कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है कि जब आप अपनी असेट्स और लाइबिलिटी का रिवेल्युएशन करते हैं, ठीक है, उनका जब आप मूल्यांकन जब आप करते हैं, तो जब आप अपनी असेट्स लाइबिलिटी का मूल्यांकन करते हैं तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। जो बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपने उन असेट्स लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया है उस वैल्यू में और उनकी मार्केट वैल्यू में जो फ़र्क आता है वो कंपनी के लिए नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए असेट्स के मूल्य में अगर असेट्स का बाजार भाव बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो मतलब कंपनी के लिए फ़ायदा है, तो ये फ़ायदा हम लोग कैपिटल डिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर लाइबिलिटीज़ का भाव अगर कम है, मान लीजिए बुक वैल्यू किसी भी लाइबिलिटी की, आपकी बुक वैल्यू 100 रुपये थी और उसका बाजार भाव 80 रुपये है, तो इस केस में 20 रुपये कंपनी के लिए फ़ायदा हो गया क्योंकि जो कंपनी 100 रुपये देने वाली थी अब उसको 80 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो गया कि 20 रुपये का कंपनी को फ़ायदा हो गया। तो इन सभी फायदे को कंपनी अपने कैपिटल डिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देगी। अच्छा, अब केस इसके विपरीत भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए असेट्स में गिरावट आ जाए तो कंपनी को नुकसान हो गया और लायबिलिटी में
वृद्धि हो जाए तो भी कंपनी को नुकसान हो गया, क्योंकि अब लायबिलिटी के लिए कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए इस केस में अभी हमने जो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट किया था, अगर ऐसा केस बन जाएगा तो इसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 है, जिस स्कीम को ये बनाने वाले हैं, तो देखिए इसका मकसद क्या था कि जो इसके पास लॉसेस जो इकट्ठे हो रहे थे, या संपत्ति के मूल्य में कमी या दायित्व में वृद्धि, ठीक है, जो इसके पास डेफर्ड एक्सपेंसेस जो इकट्ठे हो रहे थे, लॉसेस जो इसके पास थे, इन सभी को सेट ऑफ करने के लिए ही तो कंपनी ने स्कीम चलाई थी। तो कंपनी ने एक अलग से इसके लिए कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से अकाउंट खोला था, उसी अकाउंट से ये इन सभी लॉसेज को सेट ऑफ करने वाले हैं। तो देखिए लॉसेज का बैलेंस डेबिट होता है वैसे हम सब जानते हैं, तो जब हम उनको ख़त्म करेंगे तो हम सभी जो आपके लॉसेज हैं उनको क्रेडिट करने वाले हैं। तो हमने एंट्री करी कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए आपके पास जो जो भी नुकसान जो हैं, हम उन सबको यहाँ क्रेडिट करने वाले। देखिए स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब P&L का डेबिट बैलेंस, ठीक है, इसके बाद में जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जब आपने कंपनी बनाई थी ये उस वक्त के खर्चे होते हैं, ठीक है, जो अभी तक सेट ऑफ नहीं हुए थे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है। गुडविल का जो हमने अमाउंट जो राइट ऑफ किया है, जो गुडविल आपकी बैलेंस शीट में बच गई है, ठीक है, तो ये वो गुडविल है, ये भी कैपिटल नेचर का खर्चा इसमें होगा। अच्छा, उसके बाद में पेटेंट्स, उसके बाद में अगर किसी असेट्स के मूल्य में गिरावट आती है तो हम उस गिरावट के अमाउंट से हम उस असेट्स को कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए बुक में आपके असेट 100 रुपये से थी, उसमें 20 रुपये की कमी आ गई, ठीक है, तो हम यहाँ 20 रुपये से असेट्स को क्रेडिट यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपके लाइबिलिटीज़ में अगर इंक्रीमेंट होता है, अगर आपकी लाइबिलिटी अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो मतलब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ये आपके लिए नुकसान हुआ, तो हम उसको भी यहाँ पे क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है, अगर कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी अगर आपके पास है, ठीक है, और वो बैलेंस शीट से बाहर है, तो उसको हमें बैलेंस शीट में लेके आना पड़ेगा, इसके लिए हमें उसको लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी को बनाने के लिए हम एंट्री देंगे कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंटीजेंट लाइबिलिटी। हम कंटीजेंट लाइबिलिटी बनाएंगे कैपिटल डिडक्शन अकाउंट से, ठीक है। इसके बाद में अगर आपके पास ये सब कुछ करने के बाद में, देखिए आपका नुकसान था, आपने उसको यहाँ पे क्रेडिट किया है तो ख़त्म हो गया, कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी थी उसका भी आपने लाइबिलिटी बना लिया। अब अगर कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचा हुआ है तो वो आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इन सब के बाद में जो कैपिटल डिडक्शन में जो बैलेंस बचा हुआ है, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहा हूँ, डेबिट की बात तो अपन कर ही नहीं रहे, तो जो कैपिटल डिडक्शन का क्रेडिट बैलेंस जो बच गया उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर जब हम लोग कैपिटल डिडक्शन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रिफरेंस शेयर्स का डिविडेंड और बच जाता है, लेकिन उसके लिए सवाल ने पूछा हुआ नहीं है, वो एक अलग पॉइंट है, ठीक है। उसका डिविडेंड जो है हम किस तरीके से डिविडेंड का पेमेंट किस तरीके से करेंगे, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके लिए सवाल ने हमसे पूछा हुआ नहीं है, तो इस सवाल में हमको इस तरीके से आंसर देना है। मैंने केवल फर्स्ट मेथड में आपको एग्जांपल दिया था, आपको इन तीनों मेथड में एग्जांपल देने हैं, ठीक है। आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल बना लीजिएगा, और उसके बाद जैसे मैंने फर्स्ट मेथड में जो एग्जांपल समझाया था वैसा ही कोई एग्जांपल आप ले लेंगे, और उसके बाद में आप तीनों मेथड में एग्जांपल के साथ इन जनरल एंट्रीज को देंगे।